नमस्ते भारत। किसान पाठशाला से चिराग पटेल फिर से बांबू फार्मिंग की ओर। आज हम आए हुए हैं दिगड़िया गांव और यहां पे वरुण भाई ने बांस उगाए हुए हैं, जहां पे तकरीबन 100 बीघे का सीड बेस प्लांटेशन हुआ है, जिसमें न्यूटन वेराइटी और टुल्डा वेराइटी इसको भार दिया गया है और साथ में इंटरक्रॉपिंग में गेहूं जो है वो डाला हुआ है, राई जिसको कहते हैं राइडा लगाया हुआ है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ पहले खेत आपको पूरा। ये देखिए, ये इंटरक्रॉप में गेहूं जो है ये वो वाली जगह है। बांस हो गए, बांस वरुण भाई ने पहले भी बांस लगाया हुआ है अपने गांव में और उसके अंदर में उन्होंने टिश्यू कल्चर बेस वैरायटी लगाई हुई थी। उसमें उनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा ठीक नहीं रहा, उसके बाद उन्होंने सीड बेस पे 100 बीघा ज़मीन परचेस करके ये बांस लगाया हुआ है और आज सीड बेस यहाँ पर टुल्डा और न्यूटन दो वैरायटी के अंदर में बांस लगा हुआ है। इसी तरीके से हम अपने यहाँ पे बांस लगा सकते हैं और जो बांस की पूरी लाइफ है उसका इस्तेमाल ले सकते हैं। आज अचानक से यहाँ पर आना हुआ, इसके कारण वरुण भाई खुद रहते मोरबी सिटी में हैं, इसलिए वो अवेलेबल नहीं थे। ये बांस जो है लगाया उसको तकरीबन शायद 5-5.5 महीने के आसपास में हुआ होगा और फार्म के अंदर में कुछ भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी, सिर्फ लैंड थी। उसके बाद बड़ा सा पानी के लिए एक होज बनाया हुआ है और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम 0 से लेकर काम किया और उसके बाद जो है ये प्लांटेशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ है और ड्रिप इरिगेशन के अंदर में ये बांस लगा हुआ है। अभी इसकी रूट्स वगैरह जो है वो ज़मीन में बैठ गई है, नए सूट निकलना जो है वो चालू हो गया है। मिट्टी यहाँ पर ये थोड़ी सी रेड कलर की है। हम आराम से इंटरक्रॉप के अंदर में बांस को आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें गैपिंग भी जो देना रहेगा वो इस तरीके से गैपिंग भी ज़्यादा देना पड़ेगा। कम से कम जहाँ पर हमने बांस लगाया हुआ है सेंटर में, वहाँ से दोनों तरफ 2-2 फीट छोड़ के ये 4 फीट का गैपिंग देकर फिर इंटरक्रॉप लगाया हुआ है, ताकि जो हम न्यूट्रिशन वगैरह पानी के साथ में ड्रिप इरिगेशन से दे, वो बांस को जो चाहिए वो बांस को भी पूरा मिलता रहे और वो जो सोइल के पास पड़ा हुआ है वहाँ से भी वो पिक कर सके। और जो इंटरक्रॉप हमने लगाया हुआ है वो पूरी तरीके से वो ज़मीन का सारा जो है न्यूट्रिशन ले ना जाए, उसके लिए अलग हो गया और इस ज़मीन के लिए इसका न्यूट्रिशन खुद की जगह से कर सके। कई फार्मर ऐसे हैं जो बांस लगाते हैं तो उसके साथ में वो एकदम नज़दीक से जो है वो दूसरी इंटरक्रॉपिंग की सिस्टम जो है वो लगा देते हैं, तो उसके कारण वो पूरा सोइल के अंदर में जितना न्यूट्रिशन है वो पिक कर लेता है, तो बांस जो है वहाँ पर थोड़ा सा नीचे रह जाता है, उतना बढ़ नहीं पाता है। तो जब कभी भी इंटरक्रॉपिंग लगाइए तो बांस के दोनों हिस्से से कम 2-2 फुट की दूरी छोड़ के फिर ही इंटरक्रॉप लगाइएगा।
थैंक यू वेरी मच।